हेलो फ्री फायर गेमर्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो और गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो गाइस, जिसका हमें इंतजार था वो चीज़ आ गई अपने फ्री फायर गेम में। जी हाँ गाइस, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे गिल्ड वॉर की। तो गाइस, आज मैंने जैसे अभी गेम ओपन करा तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा गिल्ड वॉर का, तो फाइनली गिल्ड वॉर अपने गिल्ड में देखने को मिल गया। मतलब गिल्ड वॉर का इंटरफेस कुछ इस टाइप का है जो कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे हो, और इसका ड्यूरेशन आप सब कुछ मैं इसमें गिल्ड वॉर से रिलेटेड इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, अपने गिल्ड प्लेयर्स में, मतलब जितने भी आप गिल्ड के मेंबर हैं सबको ये वाली वीडियो शेयर कर देना, पूरी डिटेल है इस वीडियो में। तो गाइज सबसे पहले तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं गिल्ड वॉर में क्या क्या आपको देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम सबसे पहले गिल्ड वॉर में आ चुके हैं। मतलब सबसे पहले हम गिल्ड में जाते हैं और यहाँ गिल्ड वॉर का ऑप्शन जो है अवेलेबल हो गया है, और यहाँ पे लिखा रहा है राउंड वन सीजन वन बी आर बैटल रॉयल, और इसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है मतलब छः, मतलब आज जो तारीख है 6 नवंबर 2023 से 28 जनवरी 2024 तक, और इसमें आपको 11 टोटल जो है रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे गिल्ड वॉर का ये मैंने जो है देख सकते हैं इन्होंने सब समझाया हुआ है यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, सीजन राउंड सेटलमेंट रिवॉर्ड वगैरह, और यहाँ पे ये सब कुछ आपको दिया हुआ है, इन्होंने पूरा समझा दिया है। ये थ्री फेस एवरी राउंड होंगे, योर गिल्ड टोटल स्कोर भी दिखा जाएगा, और यहाँ पे आपके गिल्ड करंट रैंक स्कोर सब दिखाया जाएगा। तो गाइज इसमें मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ दिस राउंड एवरी सैटरडे, जैसे हमारा अपडेट से पहले एवरी फ्राइडे टूर्नामेंट होता था गिल्ड का, लेकिन अब गिल्ड के बाद गिल्ड 2.0 का जो अपना टूर्नामेंट होगा, मतलब अपने जो गिल्ड वॉर होगा वो होगा एवरी सैटरडे। वो होता था पहले फ्राइडे और अब ये होता है एवरी सैटरडे होगा ये, मतलब आने वाला सैटरडे जो कि है 11 तारीख को। जहाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है 11:11 6:30 बजे से लेकर शाम के 10:30 बजे तक जो है ये गिल्ड वॉर चलेगा। और आपको खेलना क्या है, कौन सा मोड खेलना है, आपको बैटल रॉयल मोड खेलना है, बीआर मोड खेलना है, आपके गिल्ड मेट्स के साथ, गिल्ड मेंबर्स के साथ, आपको पूरे स्क्वाड के साथ आपको जो है बैटल रॉयल मोड में ही गेम जो है प्ले करना है। उससे ही आपकी जो गिल्ड की ग्लोरी है वो इंक्रीज होगी, मतलब आपकी रैंक अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और आपके सभी मेंबर गेम प्ले करते हैं तो आपकी जो है रैंक टॉप पर आएगी, और उसी के साथ आपको जो है वी बैच भी देखने को मिलेगा आपके गिल्ड के ऊपर लगा हुआ। तो यहाँ पर राउंड के रिवार्ड आपको एक आरपी बोनस मिल रहे हैं गिल्ड के, ये आपके सामने स्क्रीन पर ही है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके रूल क्या है, मैंने आपको बताई थी कि पार्टिसिपेट इन बैटल रॉयल गिल्ड वॉर विद गिल्ड मेंबर्स टू अर्न गिल्ड ग्लोरी टाइटल। तो गाइस यही इसका पूरा जो है सिस्टम होने वाला, और यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लायर स्काइविंग गिल्ड वॉर टाइटल। तो यहाँ पे आपको जो मल्टीप्लायर स्काइविंग देखने को मिल रहेगा जब आप गिल्ड वॉर के टाइटल रिवॉर्ड है, मतलब एक तरीके का अगर आपकी रैंक बढ़िया होती है गिल्ड की तभी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये गाइस गिल्ड वॉर जो है अपना सैटरडे से शुरू होगा, आज मंडे है तो सैटरडे से ये स्टार्ट होगा। तो गाइस आई होप आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल गई होगी, अगर बढ़िया लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना। एक और प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अपने लेवल वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे को रिफ्रेश हो जाएगी, और यहाँ पे मेरी लेवल जो है 3 हो गई है गिल्ड की। तो यहाँ पे अब मैं आप गिल्ड स्टोर में दिखा देता हूँ, लेवल 3 के जो रिवॉर्ड थे वो भी अनलॉक हो गए, ये देख सकते हैं बाइक भी मेरी अनलॉक हो गई है। तो गाइस चलिए मिलते हैं कनोर द नेक्स्ट वीडियो में।